हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सर कैंड्रॉन एलडीसी क्लासेस। सर कैंड्रॉन एलडीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग साउथर्न रेलवे के त्रिची डिवीजन में, तिरुचिरापल्ली डिवीजन में हुए गुड्स गार्ड के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। यह एग्जाम 23 जुलाई 2022 को हुआ है। यह पार्ट वीडियो 4 है। ताइए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी लॉस और डिस्ट्रक्शन ऑफ और इंजुरीज टू एनी एनिमल कैरिड बाई रेलवे। आंसर विल बी ऑप्शन बी, फॉल्स। कहता है कि किसी भी लॉस के लिए, किसी भी इंजुरी के लिए, किसी भी एनिमल के, जब कोई रेलवे, अगर रेलवे किसी एनिमल को कैरी करता है तो उसके लॉस, इंजुरी, डिस्ट्रक्शन के लिए जो रेलवे रिस्पॉन्सिबल है, तो यह वाक्य क्या है? गलत है। ये निर्भर करता है कि आप किस तरह से उस एनिमल्स को कैरी कर रहे हैं। वो रेलवे रिस्क पे जा रहा है या ओनर रिस्क पे जा रहा है, ठीक है? इसलिए कहना यह वाक्य गलत है। क्वेश्चन नंबर 77, द रेट्स ऑफ कंपेंसेशन पेएबल इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी इंजरी शैल बी डिटरमाइंड बाय द क्लेम्स ट्रिब्यूनल। आंसर विल बी ऑप्शन ए, ट्रू। कहता है द रेट्स ऑफ कंपेंसेशन पेएबल इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी इंजरी शैल बी डिटरमाइंड बाय क्लेम्स ट्रिब्यूनल। अगर कोई इंजरीज होता है, नुकसान होता है, तो उसके लिए जो कंपेंसेशन होता है वह क्लेम्स ट्रिब्यूनल द्वारा दिया जाता है, डिटरमाइंड होता है। यह वाक्य सही है, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78, अथॉरिटी टू स्टार्ट ए ट्रेन फ्रॉम ए लाइन प्रोवाइडेड विद ए कॉमन डिपार्चर सिग्नल इज TVR 512। आंसर विल बी ऑप्शन ए, ट्रू। कहता है कि अथॉरिटी जो होता है एक ट्रेन के स्टार्ट करने के लिए, एक लाइन जो प्रोवाइड किया गया कॉमन डिपार्चर सिग्नल द्वारा, उसका अथॉरिटी जो है TVR 512 है। यह आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 79, विच वन इज रॉन्ग, ऑल शंटिंग ऑपरेशंस इन्वॉल्विंग फुल ट्रेन एंड स्टेबलिंग ऑफ मटेरियल और डिपार्टमेंटल ट्रेन शैल बी सुपरवाइज्ड बाय। Here 4 option has been given. According to option, your answer will be option D, none is wrong. Question I repeat, which one is wrong? All shunting operations involving full trains and stabling of material and departmental trains shall be supervised by. Your answer will be none is wrong. यहाँ जितने भी option दिए गए हैं सबके सब सही हैं, इसमें कोई गलत नहीं है। Question number 80, in case of shunting over a portion of line on स्टीप ग्रेडियंट्स एंड इंजन इज टू बी अटैच्ड टुवर्ड्स द। आंसर विल बी ऑप्शन बी, फेलिंग साइड ऑफ द ग्रेडियंट। कहता है इन केस ऑफ शंटिंग ओवर ए पोर्शन ऑफ लाइन, कहता है किसी लाइन के पोर्शन पर अगर शंटिंग किया जाता हो ऑन स्टीप ग्रेडियंट्स एंड इंजन इज टू बी अटैच टुवर्ड्स, तो उस कंडीशन में इंजन को किधर अटैच किया जाएगा? तो आंसर होगा फेलिंग साइड ऑफ द ग्रेडियंट्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81, स्टीपर ग्रेडियंट शैल बी और स्टीपर फॉर व्हीकल फिटेड विद रोलर विंग। आंसर विल बी ऑप्शन सी, 1 in 400। कहता है स्टीपर जो ग्रेडियंट होते हैं, 1 in 400 जो है इसको फिक्स किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 82, विच वन इज रॉन्ग, हैंड शंटिंग ऑफ व्हीकल इज परमिटेड फॉर। आंसर विल बी ऑप्शन बी, पैसेंजर कैरिंग ट्रेन्स। कहता है इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है विच वन इज रॉन्ग, इसमें से कौन गलत है? हैंड शंटिंग फॉर व्हीकल इज परमिटेड फॉर पैसेंजर कैरिंग ट्रेन, यह वाक्य क्या है? यह ऑप्शन बी क्या है? गलत है। क्वेश्चन नंबर 83, ए स्पीड ऑफ हैंड शंटिंग इज। आंसर विल बी ऑप्शन सी, 5 km/h। हैंड शंटिंग का जो स्पीड होता है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटे का स्पीड होता है। आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84, लूज शंटिंग इज नॉट परमिटेड फॉर। आंसर विल बी ऑप्शन डी, ऑल द एबव। लूज शंटिंग जो है वो क्रेन्स में हो, व्हीकल्स कंटेनिंग पैसेंजर्स हो या एक्सप्लोसिव, इसमें लूज शंटिंग परमिट नहीं होता, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85, इमरजेंसी टू वे स्विच इज एप्लीकेबल इन। आंसर विल बी ऑप्शन बी, इंटरलॉक्ड ट्रैफिक LCs। क्वेश्चन नंबर 86, इफ द विड्थ ऑफ एन ODC कंसाइनमेंट एक्सीड
how many millimeters the train shall be moved at a restricted speed of 5 kmph when dealt on platform lines. Answer will be option D, none of the above. कहता है इफ द विड्थ ऑफ एन ओडीसी का असाइनमेंट एक्सीड, यहाँ जो ऑप्शन दिया कि इसमें से कोई भी नहीं होगा इसलिए नन इसका आंसर हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 87, इन केस ऑफ फेल्योर सस्पेंशन ऑफ रिसेप्शन एंड डिस्पैच सिग्नल फॉर्म टी बार 3693B टू LP एट. आंसर विल बी ऑप्शन सी, होम सिग्नल एंड स्टेशन एज सेपरेट अथॉरिटी. कहता है इन केस ऑफ फेल्योर सस्पेंशन ऑफ रिसेप्शन एंड डिस्पैच सिग्नल, जब रिसेप्शन और डिस्पैच सिग्नल फेल्योर हो जाता हो, सस्पेंड हो जाता हो, उस कंडीशन में जो अथॉरिटी होता है टी बार 3693B वो लोको पायलट को जो है दिया जाता है होम सिग्नल और स्टेशन सेपरेट दिया जाता है. क्वेश्चन नंबर 88, मल्टी लैम्प विद डायरेक्शनल टाइप रूट इंडिकेटर विल सो None of the above when the home signal is taken off for main line. इसमें जो भी ऑप्शन दिए गए उसमें इसका कोई आंसर नहीं होगा इसलिए none इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी. क्वेश्चन 89, द मिनिमम ब्रेक पावर टू बी इंश्योर्ड बिफोर कमेंसिंग शंटिंग इज. आंसर विल बी ऑप्शन बी, 5 कोचेज और वैगन्स नेक्स्ट टू इंजन. कहते हैं द मिनिमम ब्रेक पावर टू बी इंश्योर्ड बिफोर कमेंसिंग शंटिंग इज 5 कोचेज और वैगन्स नेक्स्ट टू इंजन. आंसर विल बी ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 90, ए मिनिमम ऑफ टू ब्रेक्ड वैगन्स विथ ब्रेक्स एंड ब्रेक सिलेंडर्स इन वॉकिंग ऑर्डर आर टू बी अटैच्ड डैश इन ओरिजिनेटिंग स्टेशन स्टेशन वेयर रिमेनिंग रिमार्सलिंग इज अंडरटेकिंग एंड नॉट फॉर क्रू चेंज और ट्रैक्शन चेंज पॉइंट्स. आंसर विल बी ऑप्शन सी, बोथ मीन्स नेक्स्ट टू ट्रेन इंजन और इन फ्रंट ऑफ द रियर ब्रेक वैन. क्वेश्चन नंबर 91, फॉर द स्टाफ टू बी क्लासिफाइड एज ए और बी दे मस्ट सिक्योर ए मिनिमम ऑफ व्हाट परसेंट मार्क्स ईच इन नॉलेज ऑफ रूल्स एंड अल्टरनेट्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑफ रूल्स पैरामीटर्स. आंसर विल बी ऑप्शन बी, 60% मार्क्स. कहते हैं फॉर द स्टाफ टू बी क्लासिफाइड एज ए और बी दे मस्ट सिक्योर ए मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स. आंसर विल बी ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 92, द सैंक्शनड स्पीड ऑफ द ट्रेन विथ LHB कोचेज इज. आंसर विल बी ऑप्शन बी, 160 km/h. कहते हैं LHB कोच का जो सैंक्शनड जो स्पीड होता है 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है. क्वेश्चन नंबर 93, BVZC एंड BBZI आर. आंसर विल बी ऑप्शन सी, ब्रेक वैन्स विद 4 व्हीलर्स और 8 व्हीलर्स. आंसर विल बी ऑप्शन सी. क्वेश्चन नंबर 94, अथॉरिटी फॉर स्टार्टिंग ए ट्रेन फ्रॉम ए नॉन सिग्नल्ड और नॉन रनिंग लाइन व्हेन LSS कुड नॉट बी टेकन ऑफ. आंसर विल बी ऑप्शन बी, टी बार 511 प्लस इंडोर्समेंट. कहता है कि एक ट्रेन का अगर अथॉरिटी जो है नॉन सिग्नल्ड या नॉन रनिंग लाइन से शुरू किया जाता हो, जब LSS टेकन ऑफ नहीं हो रहा हो, तो उस कंडीशन में जो अथॉरिटी दिया जाता है वो टी बार 511 प्लस इंडोर्समेंट दिया जाता है. आंसर बी हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 95, द इफेक्टिव सब्सटीट्यूट फॉर द एडिक्वेट डिस्टेंस इज. आंसर विल बी ऑप्शन ए, सैंड हम्प ऑफ अप्रूव्ड डिजाइन. क्वेश्चन 96, व्हाइल परफॉर्मिंग ब्लॉक बैक इन डबल लाइंस द ट्रेन कैन बी रिसीव्ड बाय. आंसर विल बी ऑप्शन सी, हैंड सिग्नल्स. क्वेश्चन नंबर 97, इन केस ऑफ डिस्टेंस सिग्नल इज ब्लैंक ट्रेन शैल बी इशूड विथ. आंसर विल बी ऑप्शन बी, कॉशन ऑर्डर एट द स्टेशन इन रियर. क्वेश्चन 98, वंस ए जर्क मैसेज रिसीव्ड सबसिक्वेंट ट्रेन शैल बी अलाउड इनटू द ब्लॉक सेक्शन ऑन द अथॉरिटी ऑफ. आंसर विल बी ऑप्शन सी, नॉर्मल ATP विथ कॉशन ऑर्डर. फ्रेंड्स, व्हाट इज द एक्सपेंड फॉर्म ऑफ ATP, प्लीज गिव द आंसर इन द कमेंट बॉक्स. क्वेश्चन 99, फॉर्म टू बी यूज्ड फॉर प्लेसिंग द मोटर ट्रॉली इन द मिड सेक्शन ऑन ए सिंगल लाइन. आंसर विल बी ऑप्शन सी, पेपर लाइन क्लियर टिकट PLCT. क्वेश्चन नंबर 100, वंस फॉग इज प्रिवेलिंग इन ए सेक्शन द स्पीड ऑफ द ट्रेन शैल नॉट एक्सीड. आंसर विल बी ऑप्शन बी, 60 km/h इन एब्सोल्यूट ब्लॉक सेक्शन टेरिटरीज. कहता है जब फॉग जो है देखा जाता है तो उस सेक्शन में जो है ट्रेन का जो स्पीड होगा वो 60 km/h से अधिक का नहीं होगा. तो फ्रेंड्स, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछे गए हैं. तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द चैनल सर्क एंड रोन LDC क्लासेस.